Welcome to HPS. Today we are going to start science for class 6. This is me, Kemasar. The unit first is the science food. Where does it come from? Mean we eat food, and this food we eat from where we get it. जो भोजन खाते हैं वो कहाँ से आता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे. ओके, वी हैव टू नो ऑल अबाउट दिस. सो फूड इज बेसिक नेसेसिटी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. इट प्रोवाइड एनर्जी टू डू वर्क. इट हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड इट प्रिपेयर बोर्न आउट सेल्स. It gives strength to the body to protect itself from disease. Food is a fuel for the body, like a car can't run without petrol. Living things can't survive for long without food. It is not only necessary for human, but also for the plant and animals. ये बता रहा है कि भोजन है वो सभी के लिए बहुत ही आवश्यक चीज है, क्योंकि भोजन नहीं होगा हमको एनर्जी नहीं मिलेगी. ठीक है, हमको एनर्जी कहाँ से मिलती है? भोजन से. एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम काम नहीं कर पाएंगे. ठीक है, एंड इट हैव ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी. जो हमारे शरीर का विकास या डेवलपमेंट होती है, हम जो बड़े होते हैं, ठीक है, वो किसको किसकी हेल्प से होती है? वो सब फूड की हेल्प से. ठीक है, और फूड नहीं होगा तो हमारी बॉडी ग्रो नहीं कर पाएगी. इट रिपेयर वोर आउट सेल्स. जो हमारे बॉडी में मोसे के होते हैं, सेल उठ के होते हैं, डेड हो जाते हैं. जैसे चोट लग गई, क्या हो गया, सेल डेड हो गया, तो वापस रिपेयर कैसे होएगा? वो विद द हेल्प ऑफ एनर्जी. एनर्जी कहाँ से आएगी? फूड से. तो उसमें हेल्प करता है. इट गिव स्ट्रेंथ टू द बॉडी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम डिजीज. और जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी होती है, हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है, जो इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द एक्सटर्नल डिजीज. ऐसे डिजीज से जो एक्सटर्नल डिजीज से और बॉडी की जो प्रोटेक्शन करती है ये, वो भी हम कहाँ से मिलते हैं? इम्यूनिटी फ्रॉम द फूड. एंड जैसे आप देखोगा एक कार होती है, अगर कार में हम पेट्रोल नहीं डालेंगे, तो क्या होगा? कार चल नहीं पाएगी, क्योंकि उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है? पेट्रोल से. सेम इसी तरीके से हमारी बॉडी को अगर एनर्जी, हमारी बॉडी को फूड नहीं मिला, उसी क्या होगा, हमको एनर्जी नहीं मिलेगी. एनर्जी नहीं मिलेगी क्या होगा, हम कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे. ठीक है, सो दिस इज द फ्यूल ऑफ अवर बॉडी. ओके, फूड इज द फ्यूल ऑफ अवर बॉडी बिकॉज इट प्रोवाइड अस एनर्जी सो दैट वी कैन डू एनी वर्क. इट हेल्प टू ग्रो और डेवलपमेंट ऑफ अवर बॉडी एंड हेल्प अस टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द डिजीज. ओके, द फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसिटी थिंग्स फॉर ए ह्यूमन बॉडी और एनिमल बॉडी और एनी प्लांट. ओके, नाउ वैरायटी ऑफ द फूड. वैरायटी मीन द टाइप ऑफ द फूड. इन फूड हम जो भोजन खाते हैं वो कौन कौन से टाइप होता है, कौन कौन सी वैरायटी होती है उसकी. वैरायटी आप जानते होंगे, व्हाट इज द वैरायटी ऑफ द फूड. देखो, हम एवरी पर्सन टेक द फूड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स. ठीक है, अलग तरीके खाना खाते हैं. पर्स देखो, ये लिटिल गर्ल है, वो एग खा रही है, लोग एग भी खाते हैं. ये चपाती खा रहा है, ये चाइल्ड चपाती खा रहा है, एंड दिस इज द फ्रूट्स, ये फ्रूट खा रही है. ओके, तो वी ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड लाइक एग्स एंड ब्रेड. ब्रेड फॉर ब्रेकफास्ट, राइस, दाल, चपाती, वेजिटेबल, फिश एंड फ्रूट्स फॉर लंच एंड डिनर. दीज आर द व्हाट इज दिस, आर द वैरायटी ऑफ द फूड. तो फूड वी टेक आर द डिफरेंट टाइप्स लाइक द चपाती, एग, दाल, रोटी एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आर द ऑल वैरायटी ऑफ द फूड. ओके, दिस इज अ वैरायटी ऑफ द फूड. नाउ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द फूड. अब हमको कहना है कि इंग्रेडिएंट्स उसमें जो घटक होते हैं उसमें, मतलब कौन कौन से उसमें कंपोनेंट होते हैं फूड के, तो कंपोनेंट को पता करना है. व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ द फूड. अब कंपोनेंट क्या होते हैं? इंग्रेडिएंट्स होते हैं. जैसे हमने दाल बनाई थी, और दाल में क्या है, ये दाल है,
हल्दी है, मिर्च है, ठीक है, और मसाले हैं, सारे मसाले हैं, ये सबको मिला के क्या बोला था, दाल। तो ये सारे क्या हो गए इसके इंग्रेडिएंट्स। ओके, अंडरस्टैंड वेरी वेल व्हाट इज द इंग्रेडिएंट्स। तो मेनी फूड आइटम दैट यू ईट कंटेन मोर देन टू मटेरियल, फूड मटेरियल्स दैट आर यूज्ड टू प्रिपेयर ए डिश आर कॉल्ड द इंग्रेडिएंट्स। मीन वी मेड एनी फूड लाइक द दाल, चपाती, रोटी। तो एग्जाम्पल दिस इज द दाल, वी मेड दाल विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मेटेरियल लाइक दाल, स्पाइसेस, स्पाइसेस, वॉटर, शाल। ओके, तो दीज आर द इन्ग्रीडियंट्स ऑफ द दाल और फूड। ओके, तो दीज आर दिस इज कॉल्ड द इन्ग्रीडियंट्स ऑफ द फूड। नाउ वॉट इज द सोर्स ऑफ द फूड, जो हम भोजन खाते हैं वो कहाँ से आता है, उसे स्रोत के। तो वॉट इज द सोर्स ऑफ फूड, वी ड्राइव आवर फूड फ्रॉम टू मेन सोर्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो हमको भोजन प्राप्त होता है वो दो तरीके से होता है, या तो एनिमल्स के द्वारा या फिर प्लांट्स के द्वारा। ठीक है, अब प्लांट्स कैसे होते हैं, प्लांट्स हमको वेजिटेबल मिलती है, वेजिटेबल मिलती है प्लांट्स से हमको, फ्रूट्स मिलते हैं, ठीक है, पल्सेस मिलते हैं, ऑयल मिलता है। ओके, तो दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स। और एनिमल्स से, एनिमल्स हमको दूध मिलता है, दही मिलता है, छाछ मिलता है, घी मिलता है। ओके, और दूसरा एग, एग मिलते हैं, अंडे मिलते हैं, और बहुत से लोग होते हैं जैसे मछली हो गई, मुर्गा हो गया, है ना, उनको मीट भी खाते हैं। तो दिस आर ऑल्सो टाइप ऑफ फूड। ओके, तो देर आर द टू मेन टाइप ऑफ फूड, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, फर्स्ट द प्लांट्स एज ए सोर्स ऑफ फूड, पहले हम स्टडी करेंगे प्लांट्स, प्लांट्स को एज ए सोर्स ऑफ फूड। ओके, वी नो ग्रीन प्लांट्स आर द ओनली लिविंग थिंग्स दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, हेंस कॉल्ड द प्रोड्यूसर। हम जानते हैं कि ओनली जो हरे पौधे होते हैं केवल वो ही अपना भोजन बनाते हैं, किससे, बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रीवियस ईयर का हमने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस होता है, तो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से वो अपना जो फूड होता है वो फुल डेवलप करते हैं। ओके, फिर जो एनिमल्स, अदर्स एनिमल्स है, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम ये करते हैं हमारा फूड फिर उन प्लांट से गेन करते हैं। ओके, तो व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ए प्लांट गेट्स इट्स ओन फूड। ओके, एंड दिस प्लांट गिव अस ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स फूड। तो दिस इज द आल्सो ए सोर्स ऑफ द फूड, प्लांट्स आल्सो ए सोर्स ऑफ द फूड। एंड क्रियस, देखो क्रियस क्या होता है, क्रियस को बोलते हैं मोटर मैच बोलते हैं। रिसोर्सेज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट इज अ केमिकल कंपाउंड एंड इज द रिसोर्स ऑफ द एनर्जी एंड इट इज प्रेजेंट इन द क्रियस एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन बींग्स। जैसे वीट है, राइस है और मेज है, ठीक है, ये तीनों क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, और कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी देता है। बाय द हेल्प ऑफ एनर्जी वी कैन डू एनी वर्क। सो इफ एनी वन आस्क टू यू वॉट इज द सोर्सेज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट सोर्स इज द क्रियस, एग्जाम्पल वीट, राइस एंड मेट्स। ओके, एंड द पल्सेस, वॉट इज द पल्सेस, ग्रैन, बीन्स, पी, दिस इज द पिक्चर ऑफ बीन्स, बीन्स, पीस। ओके, ग्रैन, ठीक, चना हो गया, सेम हो गया, मटर हो गया, दिस इज द पीस। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द पल्सेस। ओके, पल्सेस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द प्रोटीन्स। ओके, प्रोटीन्स इज द इम्पोर्टेंट केमिकल कंपोनेंट इज प्ले ए वाइटल रोल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ओवर बॉडी। ठीक है, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड द शुगर्स, तो शुगर्स, शुगर्स हम किसे मिलती है, शुगर्स भी होते हैं फ्रॉम द आइदर शुगर केन और द शुगर बीट्स। ओके, तो दीज आर द क्रॉप ऑफ द शुगर, तो शुगर आल्सो ए टाइप ऑफ फूड, शुगर आल्सो ए टाइप ऑफ फूड, एंड वी गेन शुगर फ्रॉम द शुगर केन और शुगर बीट। दिस इज द पिक्चर ऑफ शुगर केन एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ शुगर बीट। शुगर किस में करते हैं हम लोग, मऊ जैसे चाय बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं, कोई मीठा खाना बनाते हैं, मीठा फूड है ना, तो उसमें शुगर हेल्प करती है विद द हेल्प ऑफ शुगर। वी मेड स्वीट डिश विद द हेल्प ऑफ शुगर इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ फूड। ओके, नाउ बेवरेजेस, नाउ बेवरेजेस, व्हाट इज द बेवरेज, बेवरेज लाइक द ड्रिंकेबल फूड,
मतलब कि ऐसा फूड जिसको हम पी सकें। एग्जाम्पल टी एंड कॉफ़ी, चाय कॉफ़ी हो गया, शरबत हो गया, ये भी एक फूड का टाइप है लेकिन हम इसको पी सकते हैं। ओके, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द बेवरेजेस। ठीक है, तो ये टी और कॉफ़ी कहाँ से हमको प्राप्त होती है? ये भी हमको प्राण से प्राप्त होती है। टी वी गेन फ्रॉम द लीव्स ऑफ द टी प्लांट्स एंड कॉफी फ्रॉम द कॉफी प्लांट्स। बाद में इसको जो इसको प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, उस बाद में हमको एक कॉफी प्राप्त होती है। लेकिन जो मेन कॉफी होती है वो कहाँ से आती है? कॉफी के पेड़ से आती है, बाय द हेल्प बाय द फ्रॉम द लीव्स ऑफ द कॉफी प्लांट। एंड द ऑयल्स, व्हाट इज द ऑयल्स? दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम द मस्टर्ड सीड्स, ग्राउंडनट सीड्स, कोकोनट, एटीसी। ऑयल आर रिच इन फैट एंड प्रोवाइड एनर्जी। तो दीज आर द ऑयल्स, ठीक है, ऑयल्स आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स एंड आल्सो पार्ट ऑफ आवर फूड, हमारे भोजन का भाग है। ये क्या होते हैं? रिच इन फैट्स, इनमें फैट बहुत ज़्यादा होती है और विच प्रोवाइड एनर्जी, हमको इससे एनर्जी मिलती है। ओके, तो व्हाट इज द ऑयल्स? ऑयल इज द रिच सोर्स ऑफ फैट, रिच सोर्स ऑफ द फैट एंड इट प्रोवाइड अस एनर्जी। ओके, तो ऑयल खाने से प्राप्त होता है, वी ऑब्टेन ऑयल फ्रॉम द ग्राउंड नट्स, मस्टर्ड एंड कोकोनट सीड्स। ओके, दिस इज आल्सो ऑयल आल्सो टाइप ऑफ या और पार्ट्स ऑफ फूड। एंड स्पाइसेस, देखो स्पाइसेस हम खाते हैं तो चिली, टर्मरिक, फेनल, फेनल सीड्स, सौंफ बोलते हैं जिसको, आर सम स्पाइसेस। ये सारे पिक दिख रहे हैं आपको, स्पाइसेस हैं, सारे मसाले हैं। तो मसाले क्या करते हैं? दे इम्प्रूव टेस्ट एंड फ्लेवर टू अवर फूड। जो हमारे जो खाने खाते हैं उसमें वो टेस्ट को और जो फ्लेवर होता है भोजन का उसको इम्प्रूवमेंट करते हैं, हमको टेस्ट देता है खाना। ठीक है, तो हमारे जो भोजन होता है उसके टेस्ट कौन बढ़ाता है? स्पाइसेस। तो स्पाइसेस आल्सो टाइप ऑफ फूड, कोई और आल्सो पार्ट्स ऑफ फूड। ओके, ये भी भोजन होता है। एंड फ्रूट वेजिटेबल आर ए रिच सोर्स, आर ए रिच सोर्स ऑफ फाइबर्स। जो हम फ्रूट्स और सब्जी खाते हैं वो भी एक पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं हमारे फूड का। और कहाँ से हमको खास प्राप्त होता है? ये विच वी ऑब्टेन फ्रूट एंड वेजिटेबल फ्रॉम द प्लांट्स, ये भी हमको प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, प्लांट से हमको प्राप्त होते हैं। ओके, तो ये सारे क्या हैं? फ्रूट्स का आप देख लेना, ये सारे फ्रूट्स हैं। आल्सो टाइप ऑफ फूड ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स। ओके, तो दीज आर फ्रूट एंड वेजिटेबल आर आल्सो फूड एंड द सोर्सेज ऑफ दीज फूड इज द प्लांट। दीज आर द वेजिटेबल्स एंड द सोर्स ऑफ द वेजिटेबल इज द प्लांट। ये भी हम प्लांट से पार्ट मिलते हैं सारा, और ये भी हमारा भोजन का भाग है, आल्सो पार्ट्स ऑफ फूड। ये सारे देख लेना, वेजिटेबल्स हैं। ओके, तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, आगे भी हम नेक्स्ट वीडियो में आगे भी स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।